So hey guys, this is Kamil and you're watching Cap Products on YouTube channel. So guys, आज किस वीडियो पर हम जानेंगे कि किस तरीके से हम Doninn ऑडियो एडिटर के अंदर अपनी ऑडियो को एडिट कर सकते हैं। अगर आपके पास Doninn ऑडियो एडिटर एप्लीकेशन नहीं है तो इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, वहां से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। अब चलो सीधा चलते हैं Doninn ऑडियो एडिटर एप्लीकेशन की तरफ। ऑलराइट गाइज, Doninn ऑडियो एडिटर एप्लीकेशन ओपन करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके की इंटरफेस देखने के लिए मिलता है। उसके बाद हमें लेफ्ट साइड के कॉर्नर पर 3 डॉट दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। देन हमें थोड़ा नीचे आना है और यहाँ से चूज करेंगे इंटरनल SD कार्ड। उसके बाद आप यहाँ से अपनी फोल्डर से सिंपली अपनी ऑडियो को इम्पुट करेंगे जिस ऑडियो को आप एडिट करना चाहते हो। यहाँ से मैं एक ऑडियो को इम्पुट कर लेता हूँ, ठीक है, जो कि मैं एडिट करने वाला था। फिर मैंने सोचा इसके ऊपर एक ट्यूटोरियल वीडियो बना दिया जाए कि किस तरीके से आप भी अपनी ऑडियो को एडिट कर सकते हो। तो एम स्टूडियो को मैं ओपन कर लेता हूँ और इस फोल्डर के अंदर मेरा ऑडियो रखा हुआ है, आप देख सकते हो। यहाँ से मैं ऊपर वाली ऑडियो को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। ओके, ऑडियो इनपुट हो जाने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने के लिए मिलता है, आप देख सकते हो। आप चाहो तो यहाँ से अपनी ऑडियो को जूम कर सकते हो, जूम करके बिल्कुल बारीकी से देख सकते हो कि आपकी ऑडियो के अंदर एग्जैक्टली किस जगह पर नॉइज है। ओके, उसके बाद यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो हमें राइट साइड पर इफेक्ट्स का ऑप्शन मिलता है, तो सिंपली इफेक्ट्स के ऊपर क्लिक करना है। और आप थोड़ा नीचे जाएंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको जिसका नाम होगा नॉर्मलाइज। सबसे पहले हम अपनी ऑडियो पर नॉर्मलाइज इफेक्ट्स को अप्लाई करेंगे, तो इसके लिए सिंपली हमें नॉर्मलाइज के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से हमें सिंपली ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। बाय डिफॉल्ट जो भी चीज़ दिया गया उसी से सिंपली आप ओके के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। जब आपको इसके बारे में पूरा नॉलेज होगा तो आप इन सेटिंग को छेड़छाड़ कर सकते हो, फिलहाल आप इन सेटिंग को बिल्कुल भी छेड़छाड़ ना करें। तो ओके के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद हमें अगेन क्लिक करना है इफेक्ट्स ऑप्शन पर। देन यहाँ से हमें चूज करना है कंप्रेसर ऑप्शन को, ठीक है। कंप्रेसर चूज करने के बाद बाय डिफॉल्ट जो भी चीज दिया गया उसी से सिंपली हमें ओके के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद हमें क्लिक करना है अगेन इफेक्ट्स वाले ऑप्शन के ऊपर। इस बार हम अपनी ऑडियो पर अप्लाई करेंगे नॉइज रिडक्शन को, ठीक है। नॉइज रिडक्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको ये जो लाइन दिखाई दे रहा है इसको आपको लेफ्ट साइड की तरफ लेके जाना है इस तरीके से। देन इस लाइन का जो नीचे का पार्ट है आप देख सकते हो, अपन नीचे आपको दिखाई दे रहा है, इसको पकड़ के आप राइट साइड की तरफ लेके आ जाएंगे। तो आप देख सकते हो हमारा जो ऑडियो टोटली सिलेक्ट हो चुका है। देन हमें सिंपली नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अगर आपके ऑडियो के अंदर ज़्यादा नॉइज़ है तो ये जो लाइन दिखाई दे रहा है आप इसे बिल्कुल कम कर देंगे। कम यानी बिल्कुल जीरो नहीं, आपको इसे कम करके इतना आप रख सकते हो या फिर इसे आप 10 के नीचे ही रखना, ठीक है, यानी 10 के नीचे आप इसे रख सकते हो। उसके बाद ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो अभी आप देखना कि हमारी ऑडियो से सभी नॉइज रिड्यूस हो जाएगा जब हमारी ऑडियो के अंदर नॉइज रिडक्शन अप्लाई होगा। तो आप देख सकते हो हमारी ऑडियो पर नॉइज रिडक्शन अप्लाई हो चुका है और पहले हमारा जो ऑडियो है काफ़ी बड़ा साइज का था और अभी हमारा ऑडियो का जो साइज है यानी जो लेवल है काफ़ी छोटा हो चुका है, यानी जितने भी बैकग्राउंड नॉइज था उन सभी नॉइज हटा दिया है नॉइज रिडक्शन अप्लाई करने के बाद। उसके बाद हमें अगेन इफेक्ट्स वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से हमें चूज करना है एम्पलीफाई ऑप्शन को। यहाँ से आपको ये जो अलाउ क्लिपिंग दिखाई दे रहा है इसको टिक मार्क करेंगे। देन यहाँ पर आप ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। और एक बात, यहाँ पर आपको जो लिसन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो लिसन के ऊपर क्लिक करके आप अपनी ऑडियो को सुनकर भी एडिट कर सकते हो। तो सुनकर ऑडियो एडिट करने से बेसिकली ये होता है कि आपको पता चलता है कि कौन सी चीज़ इंक्रीज करना चाहिए, कौन सी चीज़ डिक्रीज करना चाहिए, तो ये चीज़ आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते। देन हमें सिंपली ओके के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो हमारी ऑडियो पर एम्पलीफाई भी अप्लाई हो चुका है। उसके बाद अगेन आप क्लिक करेंगे इफेक्ट्स ऑप्शन पर। देन यहाँ से आप चाहो तो बेस एंड ट्रैवल को भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि बेस एंड ट्रैवल
के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके ऑडियो पर बेसन ट्रैवल अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद जो है फाइनली हमारा ऑडियो जो एडिट हो चुका है। हमने डोनिन एप्लीकेशन को यूज़ करना भी सीख लिया और किस तरीके से प्रॉपरली ऑडियो को एडिट किया जाता है वो भी हमने सीख लिया। अभी हमें अपनी ऑडियो को सेव करने के लिए हमारे फ़ोन के अंदर, इसके लिए हमें सिंपली फाइल्स के ऊपर क्लिक करना है, यानी फाइल के ऊपर। यहाँ से आप सिंपली क्लिक करेंगे सेव के ऊपर। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो हमारा जो ऑडियो डायरेक्टली हमारे फ़ोन के अंदर सेव हो चुका है। तो इस तरीके से आप डोनिन ऑडियो एडिटर के अंदर अपनी ऑडियो को एडिट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ ही साथ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।